साथियों, आप में से बहुत लोग हैं जो डेवलपर्स की अगली पीढ़ी है, लिहाजा आप नेक्स्ट जनरेशन की जरूरतों को भी समझते हैं और नए भारत के नए संस्कारों को भी समझ सकते हैं। आप सभी के कंधे पर देश के रियल एस्टेट सेक्टर को नए भारत की आकांक्षाओं और संवेदनाओं के आधार पर बदलने की जिम्मेदारी है। साथियों, केंद्र सरकार रियल एस्टेट सेक्टर में एक सार्थक बदलाव के लिए बीते 4.5 वर्षों के निरंतर कोशिश कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के साथ साथ कुछ गलत परंपराओं को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। मैं समझता हूं कि रियल एस्टेट को बीते कुछ दशकों में सबसे अधिक समस्या भरोसे की कमी से आई। 4.5 वर्ष पहले तक स्थिति यह थी कि मध्यम वर्ग का परिवार घर पर पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचता था। हमने देखा है कि कैसे लाखों लोगों को अपने घर के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। खून पसीने की कमाई कुछ लोगों की बेईमानी के कारण फंस गई थी। साथियों, इसी भरोसे को फिर से लौटाने के लिए सिलसिलेवार अनेक तरीके से अनेक प्रयास किए गए हैं। नोटबंदी का जो फैसला था उसका बहुत बड़ा लाभ रियल एस्टेट को यह हुआ कि जो गलत पैसे से भ्रष्टाचार की कमाई से यहां फलने फूलने की सोच रहे थे उनके लिए रास्ते बंद हो गए। अब वही लोग इस सेक्टर में आगे बढ़ पाएंगे जो ईमान से को मुनाफे को ऊपर रखते हैं। और मैं मानता हूं 5 साल का आपका अनुभव है और गुजरात वालों का 13 साल का अनुभव है मेरा, मेरे काम काज का। मेरे कार्यकाल की एक विशेष रही है, मेरे हर निर्णय को प्रारंभ में बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ी है, हमेशा हुआ है, क्योंकि मैं समय से थोड़ा पहले चल पड़ता था और वहां समझ पहुंचने से पहले मुसीबत झेलता था। मैंने गुजरात में एक बार, हमारे यहाँ किसान बिजली मांगते थे, मैंने कहा पहले तय करो किसान को बिजली चाहिए कि पानी चाहिए। वो कह रहे थे बिजली मुफ्त दो, सब पॉलिटिकल पार्टियां दे रही हैं, वो सरकार दे। मैंने कहा वो दुनिया जो करती है करेगी, मुझे बताओ तुम्हें पानी चाहिए कि बिजली चाहिए। आज तक मैंने कहा तुमने पॉलिटिशियनों ने बिजली का तार पकड़वा कर मरवा दिया है, मैं तुम्हें पानी पहुंचा करके जिंदा रखना चाहता हूं। और आप हैरान हो जाएंगे, मेरे अपने साथी अनशन पर बैठ गए थे, मेरे अपने लोग हर गांव में पुतला जलाते थे, किसान की नाराजगी मोदी को कहां ले जाएगी, इस प्रकार की चर्चा थी। और चुनाव में मुझ पर दबाव था, अगर आप बिजली का माफ कर दीजिए, मैंने कहा मैं पानी के लिए सब कुछ करूंगा। और आपको आश्चर्य होगा, शुरू में जो लोग मेरी बात को नहीं मानते थे, जब अनुभव करने लगे, आज वो भी इसके वकील बन गए हैं। पर ड्रॉप, मोर क्रॉप, ड्रिप इरिगेशन, पानी बचाओ, पानी पहुंचाओ, इसमें ऐसे लगे हैं कि एग्रीकल्चर ग्रोथ गुजरात में लगातार 10% रहा, जबकि गुजरात एग्रीकल्चर की दुनिया वाला गुजरात नहीं है, वो तो डेजर्ट भूमि है। समझने में देर लगती है आपको भी, अभी नहीं समझ आया होगा, अभी भी आपको लगता होगा ये मोदी कितने दिन है, अपन इकट्ठा करके रखो कभी काम आएगा। कुछ बचने वाला नहीं है दोस्तों, मैं बताता हूं। और मुझ में हिम्मत है, चुनाव सामने है, आपके घर में आकर के आपको बात बताने की ताकत के साथ कह रहा हूं दोस्तों।
देश के लिए कह रहा हूं, हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी के लिए कह रहा हूं, भारत के भविष्य के लिए कह रहा हूं, और इसलिए मुझे विश्वास है। अब आप देखिए, बेनामी संपत्ति, उस कानून से भी ईमानदारी की व्यवस्था को बल मिल रहा है।